नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन नवी मुंबई में। तो आज हम यहां एकत्रित हुए हैं नेरूल के अंदर, नेरूल के जैन मंदिर में हम सब एकत्रित हुए हैं और विषय है 8 जनवरी को वाशी के अंदर एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है, जिस आयोजन जैन धर्म की समाज की ओर से किया जा रहा है, जैन भक्तों की ओर से किया जा रहा है और उनके पीछे का मकसद जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ नवी मुंबई जैन संघ के पूरे अलग अलग यहाँ पर संप्रदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं और वो सब मिलकर एक आयोजन करने जा रहे हैं, तो हम उनसे ही जानते हैं कि आयोजन की रूपरेखा क्या है, रैली कहाँ से कैसे होगी, कौन कौन उसमें आने वाले हैं, सम्मिलित होने वाले हैं। श्री प्रकाश भाई जैन इनकी नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार प्रकाश भाई। ये रैली अपना जो सीकर जी में वहाँ पर पर्यावरण क्षेत्र मिस यानी पिकनिक बोलो तो अपनी भाषा में बनाने जा रहे हैं, उसका एक पूरा पूरा विरोध है। दूसरा पालितना में कुछ जगह उन्होंने कब्जा अराजकता फैला रहे उसके विरोध में, और ये रैली 8 तारीख को वासी में जैन मंदिर से निकलेगी, शिवाजी चौक होके एंकर वाला ग्राउंड में समाप्त होगी। और एक बात, हम इसके खिलाफ लड़ रहे और कुछ कुछ खबर भी आ रही है, पेपर वर्क भी हो रहा है उनकी तरफ से, लेकिन जब तक केंद्र सरकार की ओर से लिखित में हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और अगर शायद 8 तारीख से पहले अगर किसी भी प्रकार की हमें अच्छी खबर मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम वही चाहते, लेकिन ये रैली को हम कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमारी एक वो रैली खुशी की रैली की तरह से निकालेंगे। तो ये सबको संदेश देना चाहता हूँ कि रैली तो हर हालत में निकलेगी, या तो लड़ाई के लिए निकलेगी या खुशी के लिए और धन्यवाद रूपी निकलेगी। तो हमने जब जहाँ खबर आ रही कि नई मुंबई के भिन्न भिन्न संगठन और धार्मिक संगठनों का भी आप लोग को सहयोग मिल रहा है, तो कौन कौन संगठन सहयोग में आ रहा है? इसमें जैन समाज तो है ही है, बाकी हिंदू परिवार में भी अपना एक तो आरएसएस वाले हैं, स्वामीनारायण वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद है और गायत्री परिवार, हाँ गायत्री परिवार भी पूरा पूरा साथ है। उसमें हमारे नीलेश भाई उपाध्याय वो लीडिंग ले रहे और सबको बातें चालू है, वो भी पूरा परिवार हमारे साथ होगा। उसके लिए हमारे जैन समाज की ओर से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनको हमने किसी को आमंत्रण नहीं दिया है, उनकी सामने से हमारी प्रॉब्लम देख के कि ये तुम्हारी नहीं हमारी भी प्रॉब्लम है, तो ये सारे समाज भी हमारे इस रैली में जुड़ रहे, उसके लिए धन्यवाद। अंदाजन कितने लोग के जुड़ने की आप लोग? अंदाजन कम से कम हम लोग देख रहे हैं कि 5 से 7 हज़ार लोग होंगे, ऐसी हम धारणा रख रहे हैं। कितने घंटे का आयोजन है, जैसे आपने कहा क्या समय होगा? और ये वासी जैन मंदिर से 9:30 बजे निकलेगी और 12 बजे तक एंकर वाला ग्राउंड में समाप्त करेंगे, और आधा घंटे का उधर थोड़ा प्रवचन टाइप हमारे गुरुदेव विराग सागर सूर्य जी महाराज साहब पधारेंगे, उनके मुख बिंदु से प्रवचन देंगे। हमारे साथ नई मुंबई के और एक बहुत ही समाज सेवी श्री नरेश भाई संघवी जी हमारे साथ है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी समुदाय के लोगों को जो जुड़ रहे हैं, जो नई भी जुड़ रहे हैं, कि उनसे कैसे जुड़ा जाए, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अपना मेन मुद्दा है गिरिराज का, जो गिरिराज पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो नज़रअंदाज हो रहे हैं, जहाँ गुजरात में शराब की पाबंदी है वहाँ पर शराब की भट्टी चल रही है, और अपने जो पवित्र गिरिराज के जो माइनिंग चल रही है उसे अपने एक कण कण में हम गिरिराज का समझते हैं, लेकिन वहाँ पे माइनिंग चालू हो गई है और ट्रक भर भर के रोज के पत्थर वहाँ से निकल रहे हैं, जो पत्थर हमारे लिए भगवान के समान है। तो इसके विरोध में रैली है और काफ़ी 20-25 मुद्दा है जो आवेदन आपको दिया जाएगा, तो आप उसमें देखना। शेतुंज पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो वेजिटेरियन है वहाँ पे भी नॉन वेज चल रहा है और अंडे बिक रहे, सब बिक रहे हैं, जो कि अब तीर्थ क्षेत्र में सरकार ने पाबंदी की थी लेकिन वो कुछ कायदे चल नहीं रहे। तो हम यही सरकार से अर्ज करते हैं कि गिरिराज को पवित्र बनाए और गिरिराज को तीर्थ क्षेत्र घोषित करे, ना कि टूरिज्म करे। अभी जो शिखर जी का जो हुआ है उसमें भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऐलान किया है, सर्कुलर क्या है, वो हम उसको मान्य देते हो, धन्यवाद करते हैं, लेकिन अपने जो तीर्थ क्षेत्र है वो झारखंड में आता है, तो झारखंड सरकार जब तक अपने को सर्कुलर या जो भी अमेंडमेंट नहीं करती तब तक हम उसका समर्थन नहीं करेंगे और अपनी रैली चालू रहेगी। पूरे विश्व भर में रैली चालू है और चालू रहेगी जब तक सर्कुलर ना आए, और जब तक गिरिराज की जो भी समस्या है वो पूरी तरह से निराकरण ना हो तब तक अपनी रैली चालू रहेगी।
हमें यही विनंती करते हैं सरकार से और पूरे प्रजा से कि धर्म का एक कार्य है तो सब साथ जुड़े और एक सुर में सभी अपने धर्म क्षेत्र की रक्षा करें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, सभी के धर्म क्षेत्र की अपने को रक्षा करनी है, ये अपना परम हक है। देश धर्म है तो देश है, देश है तो अपना परिवार है, परिवार है तो हम सब है, इसके सिवा कोई नहीं है। तो अपने को गिरिराज की रक्षा पहले करनी है, फिर अपनी रक्षा करनी है। तो जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज। खूब खूब धन्यवाद मंथन टीवी का, जो अपनी बात सरकार तक रख रहे हैं। खूब खूब आभार आपका। जय जय गिरिराज। हमारे साथ और एक ट्रस्टीगण यहाँ पर मौजूद हैं, दो शब्द कहना चाहेंगे। गिरिराज तीर्थ जैनों का एक बड़ा तीर्थ माना जाता है। आज करोड़ों मुनि वहाँ पे मोक्ष से गए हुए हैं। ऐसे तीर्थ के ऊपर ये जब अनहोनी जैसी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट समझते जानते हुए भी अनहोनी करके उसको साइड में रख रहे हैं और जो आसाधना का एक रूप बना रहे हैं, तो वो चीज़ कोई भी जैन सहन नहीं कर पाएंगे। समेत शिखर की भी यही परिस्थिति हो रही है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और जैन की अभी जैन सब एक साथ बाहर निकल पड़े हैं और ये एकता का बुलंद नारा कंटिन्यू चालू रहेगा। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक ये नारा चालू रहेगा। जय गिरिराज, जय गिरिराज। अभी जो आज 15 दिन से हमारे जैन समाज के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, जो कि गिरनार के बारे में और अपना शिखर जी के बारे में जो चल रहा है, उसके ऊपर इतना जो प्रचार चल रहा है, उसके हिसाब से हमारे श्री जैन समाज आज रोड पे इतने सालों से नहीं आए, लेकिन इस समस्या को देख के पूरी समाज और आज सरकार को बता रहे हैं कि जैन समाज ये अल्पसंख्यक होते हुए भी आज इतना अपना जोश बता रहे हैं, क्योंकि ये धर्म प्रति उनकी जो भावना है, उनको धर्म के ऊपर जो ठेस लग रही है, उस ठेस के बारे में हमको उनका विरोध बताना जरूरी है। क्योंकि आज जो समय शिखर जी ये 20 भगवान साधु भगवान वहाँ पे विहरमान हो गए हैं और उनके वहाँ आसाधना इतनी हो रही है और दारू वाले और इतर जो को भी कार्यक्रम अवैध चल रहा है, उसके ऊपर सरकार को कोई ध्यान नहीं है और उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना जरूरी है कि ताकि हम ये जो पर्यटक स्थल ना बने और हमेशा तीर्थ स्थल तक रहे, इतने ये सब कार्य जरूर होना चाहिए और सरकार इसके ऊपर ध्यान रखे और सही सिक्का के बार्तव से ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, यही हम इच्छा रखते हैं। जय जिनेन्द्र। ये जो महारैली चल रही है, ये हमारे जैन भाइयों का सबका अंतिम मरते दम तक फुल सपोर्ट रहेगा। जय गिरिराज। हमारी मंथन नवी मुंबई की ओर से भी हमारे सभी जैन भाइयों को पूरी पूरी सहयोग की हम ये देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि ये रैली जो अहिंसक तरीके से, क्योंकि जैन धर्म हमेशा अहिंसा का पालन करता है, कहीं उपद्रव नहीं होते हुए एक बहुत शांतिपूर्ण रैली होगी, ये विरोध रैली होगी और ये विरोध के जरिए अपनी भावनाएं रख रहे हैं। मंथन नवी मुंबई आपके पूरे सहयोग में है, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस रैली के लिए। जी आप कुछ कहना। जय जिनेन्द्र। आज हमारा महारैली जो होने वाला 8 जनवरी 2023 को, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और इसके अलावा आज जो मैसेज आया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आया है। लोगों से इतना अनुरोध करता हूँ कि कंफ्यूज ना हो, जब तक हमारे हाथ में कुछ लेटर नहीं आता है, हमारे गुरु महाराज जितने भी है वो हमें निवेदन देंगे कल, तो उसके बाद में हम उसके आगे का निवारण करेंगे। 8 तारीख को हमारी जो रैली होने के बाद अगर हमें अच्छी खुशी मिली तो हम उसको धन्यवाद रैली में कन्वर्ट करेंगे। जय जय जिनेन्द्र, जय गिरिराज। जैन धर्म को अहिंसक समाज माना जाता है और अहिंसक से कोई डरता नहीं है, क्योंकि पता है ये हिंसा नहीं करेगा। पर अब ये स्पष्ट हो गया है कि अहिंसक समाज यानी हम हिंसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी है, हम अहिंसा सहन भी नहीं करेंगे। और जब कोई अहिंसक हिंसा सहन नहीं करता है तो अहिंसक की शक्ति हिंसा करने वाले की शक्ति से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज।